सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग आयो कि सब अच्छे होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 5:30 बजे से। तो 5:30 बजे हम आ चुके हैं खेतों में और अभी देखे अंधेरा अंधेरा और लोगों के घरों की लाइट भी अभी खुली हुई है और हम मार के हैं खेत में गेहूँ बोने और हमारे बैल नीचे वाले खेत में है। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और यहाँ ऊपर जो हमारे गाँव का ऊपर भूतनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे लगी हुई है सोलर लाइट। तो सोलर लाइट के उजाले में हमने यहाँ पे बीज बोया है। तो पता नहीं कैसे बोया, ये तो जब उग जाएंगे गेहूँ तभी पता चलेगा, लेकिन इतनी सुबह हम आज खेतों में आ चुके हैं गेहूँ बोने के लिए। तो पहाड़ों का काम धाम कुछ ऐसे होता है, सुबह आना पड़ता है और दिन भर लगे रहना है काम पे और फिर अंधेरे में भी काम ही होता है यहाँ पहाड़ों में। जब तक ये खेतों का पूरा काम नहीं निपटा है ना, ऐसे ही काम होता है। और इधर देख सकते हैं अभी जो केदार घाटी के साइड है हल्का हल्का वहाँ उजाला होने लग गया है। और दिखाती हूँ मैं एक बार के अंधेरे में कैसे दिखता है पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा। ये देख सकते हैं सामने केदार घाटी के जो ऊपर ऊपर हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ से भी अंधेरे में चमक रहे हैं। और ये देखिए सामने वाले लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आजकल ना तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी है, इतनी जल्दी खेतों में आना ही पड़ता है, बुखार हो जुकाम हो तो खेतों में आना ही पड़ता है यार। अभी एक दो दिन के लिए हमारे गेहूं की बुवाई का काम रह गया है तो उसके बाद भी हमको आराम नहीं मिलेगा, उसके बाद हम मनवा का नियार काटेंगे। तो चलो अभी खेतों में काम करने से पहले गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं। तो आप भी आ जाए पहाड़ों की गर्मा गर्म चाय पीने। तो अभी ठंडा भी काफ़ी लगने लग गया है, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ, तो क्या बोलते हैं इसको पालो पड़ रहा है। और ये देखिए हमारे बैल अंधेरे में हल लगा रहे हैं, इनको भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी लगे हुए हैं वे, इनको भी तभी आराम मिलेगा जब ये हल लगाएंगे, उसके बाद ये तो चैन से रहेंगे भाई। तो आज मैं ना 4 बजे उठ गई थी भाई 4 बजे उठ के नाश्ता पानी रेडी किया है और फिर खेतों के लिए गेहूँ रखा भूलने के लिए और अभी चाय बनाए। और ऊपर है हमारा घर और इतने सारे खेतों से ना कूद कूद के आए नीचे, सारे घुटने भी टूट गए अंधेरे में, पता ही नहीं चला कहाँ पे रख रहे हैं। और अब तो उजाला हो गया है हल्का हल्का। तो चलो अब मैं जो मिट्टी के डले हैं उनको फोड़ते हूँ, जिनको बोलते हैं ढीके, बुखार से हालत ख़राब भी हो रहे हैं तो क्या करना है भाई, ये मजबूरी है पहाड़ों में। तो सुबह के 6:30 हो चुकी है और अब लोग खेतों में जाने लगे हैं और यहाँ जो रास्ता वाला खेत है ना इधर सबसे आगे आए हमारे बैल। तो अब आ चुके हैं हिमालय पर्वत पे, हल्की सी धूप ये देख सकते हैं ऊपर डांडी काठियों में। तो ये नीचे वाला खेत भी हमने लगा लिया है हल,
और अभी ऊपर वाले खेत में भी हल लगा लिया है, आधा पीछे साइड रह गया है। और अभी यहाँ पे देखिए ज्वाल लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पाटा। तो पाटा को हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ज्वाल। तो देखिए ज्वाल कैसे लगाते हैं। इधर बुदेरदार वाले खेत भी हमने बो दिए हैं और बैल चले गए हैं अर्चना के खेत में। और अभी ऊपर गांव में देख सकते हैं अब आ रही है धूप, और तब से ना यहाँ ठंडे से हालत ख़राब हो गया है। और मुझे जाना है ये ज्वाल ऊपर वाले खेत में लेके। तो जैसे ही मैं खेतों से घर आए, और अब मुझे पता क्या करना है, धान कूटना है। धान है ना, उसको कूटना है ओखली में। तो क्यों कूटना है ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि कल है मेरे बूढ़े ससुर जी, यानी जो हमारे ससुर जी के पिताजी हैं, उनका है पारले श्राद्ध। तो उनके श्राद्ध के लिए घर के चावल कूट रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने धान निकाल रखा है। वैसे मुझे सबसे बेकार काम लगता है धान कूटना। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मैं ससुराल जाऊँगी, धान कैसे कूटूँगी। तो मैंने ये विचार बना लिया था, धान कूटने के बजाय मैं पता क्या करूँगी, चावल ही नहीं खाऊंगी, यानी भात नहीं खाऊंगी। तो तब तक धान कूटने वाली चक्की आ चुकी थी, तो इसलिए मेरे भी जान बच गई। तो सबसे हार्ड काम लगता है मुझे, हार्ड काम क्या कि मुझे बहुत बेकार लगता है धान कूटना ओखली में। तो ये धान मुझे आज कूटना पड़ रहा है यार, पितृदेवों के लिए तो नए चावल चाहिए होते ना, इसलिए इनके चावल। ये धान कूट रही हूँ मैं ओखली में यहाँ पे। तो ऐसे पत्थर की ओखली होती है हमारे पहाड़ों में, पहाड़ी लोगों को पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे पत्थर की ओखली होती है हमारे यहाँ। और ये गंजाऊ जिसको बोलते हैं, मोरू का बांध का पता नहीं किस चीज़ का रहता है ये, तो इससे कूटते हैं हम धान। तो अभी मैं खेतों से आ रही हूँ, इतनी थकान लगी है ना, तो घर में आके एक बूंद पानी भी नहीं पिया, सीधे टेंशन हो गए कि धान भी कूटना है, क्या करें यार। यहाँ पे हमारा गोलू मोलू छोटा देवर जी देखे, ये कूटेगा मेरे साथ आ सट्टे, तो भी कूट होना मेरे घर सट्टे सट्टे भी कूट होना। ये देखे ये देखे, ये है गोलू, ये नाना कच्ची नाना या नाना कच्ची ये है गोलू मोलू, गोलू मोलू है ये तोल मोल की गोली है ये। हाँ ये बोल रहा है कैसे है बस मैं कख छीन बोल बस सिर्फ नाना बनो कख छीन बल बोले। देखे कैसे देख रहा है कख बल। देखे इस तरह से उखली में धान कूटा जाता है। Thank you.
तो 15 मिनट में मैंने ये चावल कूट के भी रेडी कर लिए हैं, और अब मेरे ना घर का काम भी पड़ा है बहुत सारा, और पहले नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ और काम। तो काफ़ी थकान भी लगे है, तो पानी की बूंद तक नहीं पी, खेत से आके सीधे धान पे लगे। और यहाँ पे देखे इतनी सारी गोदड़ी की सब्जियाँ रखी है, ये देखिए कुछ तो निकाल दी थी हमने, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ इस पर लग रही हैं। तो पहाड़ों की ये सब्जी होती है, आखिरी सब्जी है ये, लेकिन अभी भी बहुत सारी सब्जियाँ इन पर आ रही है गोदड़ी की। और इधर इधर देखे जो हमारे सगड़े में गेंदा के फूल लगे हैं ना, दो प्रकार के लगे हैं, एक ये बड़े वाले फूल हैं ये देखिए, और वहाँ पे लगे हैं लाल वाले छोटे वाले गेंदा के फूल ये देखिए। और जो मैंने राई बोई थी यहाँ पे उग गई है, छोटी छोटी राई हो गई है, तो कुछ ही दिनों में अगर बारिश आएगी तो ये बड़ी हो जाएगी। और ये देखिए हमारे सामने वाले जो खेत हैं उनमें गोबर जो डाल रखा है लाइन करके एक एक कंडी करके, तो अब बोएंगे इनमें गेहूँ।